लिए यहाँ पे अभी चूड़े कूटे जाएंगे, घर उनका उधर है ओखली, यहाँ पे है, ये पुराना मकान है, यहाँ पे टूट चुका है, हम यहाँ पे खेलते थे ना बहुत ज्यादा, और ये जा रहा है रास्ता मेरे घर को, रोड से ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा होता है, माइक के आके जो सुकून मिलता। गाइस मैं ना आके थक गई थी बहुत ज्यादा, मैं सो गई थी खाना खा के, मैंने इतना ज्यादा खाना खा लिया, मेरा पेट इतना फुल हो गया, उठा के जाना, मुझे इतनी नींद आ रही ना, सो ही रहने का मन कर रहा है। देखती हूँ मम्मी क्या कर रही है बाहर, अभी बजे हैं शाम के 2, मेरे पास क्या अभी है? नींद आ रही मुझे, अभी तो मूव नहीं ले सकता। सो गाइस यहाँ पे चूड़े पुणे जा रहे हैं और मम्मी कूट रही है चूड़े, और मैं सो के उठ गई हूँ, और मुझे नींद आ गई थी बहुत ज्यादा। तो गाइस ये कूटे जा रहे हैं मम्मी के चूड़, और ये मम्मी अपने से दुगना भारी डंडा उठा के चूड़ कूटते हुए हैं। मुसल मुसल है ये, मैं तो डंडा ही बोलूंगा। देखो गाइस मम्मी की शक्ल देखो, जूम आउट कर, और ये है यहाँ पर मम्मी, इस बार अपने से भारी छोड़कर अपने से हल्का डंडा उठाते हुए। लकड़ी ला रही हूँ, जंगल गई हूँ लकड़ी ला रही हूँ, और ये कैसा जंगल है जरा खुद ही देखो, खेत से लाई है लकड़ियाँ मम्मी। तो अभी हम ले जाते हैं आपको हमारे खेत की हमारे तरफ, आग्नि जल रही है वहाँ पे, वो देखो फसल, ये है मम्मी का फेवरेट पौधा एलोवेरा, फूलों पत में क्या करना है बता। पहले से बहुत चूड़े कूटते थे ना यहाँ पे, बहुत लोग आते थे, आप क्यों नहीं आते? हम भी खाते थे पहले से, बहुत खाते थे, हमारे पास दांत नहीं बहुत है। ज्यादा, अब तो हम कहाँ खा सकते हैं, अब तो बूढ़े भी हो गए, दांत भी हो गए, खाने का मन भी नहीं करता है अब, बहुत पहले अब की जमाना बहुत बदल चुका है गाइस, पहले यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत भीड़ होती थी, बहुत लोग आते थे चूड़े कूटने के लिए, पहले आज देखो कोई नहीं की है, सिर्फ मम्मी बहुत पापा ज्यादा और थी, मैं हैं, लोग सब यहाँ अपना अपना काम खाली कर रहे है हैं। ही नहीं जाता है, तो खाली ये है डाल दिया, बुढ़ापे अभी का कूटेंगे, दर्द, मैं कूटती हूँ, मैं कूटूंगी, नहीं कुछ जाएगी तू, अरे कूटूंगी तो दे चल तो तू जा, सही, तू नहीं जाएगा, क्यों नहीं कूटा अकेला जाएगा? दुगना डंडी, दुगना भारी डंडा उठाएगी तो कैसे कूटेगी? तो गाइस जब चूड़े गरम गरम होते हैं ना, फटाफट से कूटना पड़ता है, क्योंकि वो ठंडे हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो कूटे नहीं जाते, वो चूड़े नहीं पड़ खाजे जाते हो हैं, चावल जाते हैं, हो जाते, तो वो चावल हो जाते हैं, इसलिए उनको जब गर्म होते हैं तभी कूटना पड़ता है, ताकि दब जाते हैं, दबने के बाद चपटे चपटे हो जाते हैं। तो गाइस ये रही मम्मी, यार मैं तो हाथ धुला थी गई हूँ, एक तो मुसालों से तो गोल काट देना चाहिए, हम नहीं जाएगी बेटी, गोल कभी काट देना नहीं आप टी तो हो, को पसंद है आपस में क्या ओ को तो अभी देखने पाए सही तो रुचि है, तू होगा ना यो मोहनी आ रहा आज भी हम खाए हुए घूम हम जो ध्यान होगा नहीं ना, है घूम जो होगा वो लगे हम ध्यान नहीं है लगे लगे जो घूम है जो लगे तो जो घूम है तो क्या यार ध्यान नहीं होते किसी, घर वालों को सब मोहनी आ रहा है मोहनी आ रहा अरे तो शाम को बदल रोज होगा तो शाम मिलन हो जाए, ओए लाग जानी हो बाजार लगा तो जो होनी क्यों नहीं है, दातुर वाल बात हलवे लगा तो हम सब खराब बता रहे बेकार है ना, तो लो मम्मी देसी जो मम्मी, मम्मी अब तो लगा मांगिया का होता है, जाने तो पानी भरा बाल, ये कूटे जा रहे हैं चूड़े। तो गाइस मम्मी से मम्मी चूड़ कूट रही है, नानी कूट रही है, अच्छा नानी पीछे चूड़ कूट रही है, फटाफट से बंद करना पड़ेगा मम्मी धो डाले के बंद। गाइस चूड़ कूटने खत्म हो चुके हैं, अभी छीटने हैं, हाँ अब छीटने हैं, और ये देखो ये ऐसे 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 खत्म, पलटाने पड़ते हैं, ये देखो नहीं पलटाने पड़ते हैं यार उसमें, गरम हो रही हो, तो देखिए हमारा कितना निकला है, हम इस चूड़ा देखो, मुझे आप नीचे है कैसा लगा, तो नाना जी बताइए चूड़ को क्या खाया जा सकता है? क्या करा जा सकता है, आप बुझा दी गई, अब चूड़े का काम हो गया है, और इसमें बहनों को क्या कहते हैं, अब ये आग को बुझा दिया, कोयले निकाल के उधर बिछे दिए, तो फोटो ज्यादा बड़ी आती है,
तो गाइस हमारा इतना चूर निकला है, ये देखो। तो गाइस चूड़े फूट चुके हैं, थोड़ा सा ही भिगाए थे और आग बुझा दिए पानी डाल डाल के। कहा जानो तू पानी के लेके मम्मी फूट दिया, मम्मी इनको छीटेगी फोन में बैठ। छीटे जा रहे हैं एक चूड़े, कौन निकाल दिया है इनका? भूसा भूसा है। कौन कौन देखो कौन है, हमारी भाषा में कौन बोलते हैं। देख तो गाइस भूसा देखो, इसमें भूसा कितना सारा है। तो गाइस ये है हमारा भूसा। इमी रहेगी कुआर के लिए कि हमें मुसोनी अच्छी कामक भरी कभी तो कुटी नहीं। और एक बात पर रही है और बाना कौर चले चलना। चूड़े और वो है भूसा की सही है। चलनी यार खान बके चलो। वो मैं तो बुगने दे रही नहीं भाई। का तो चूड़ खा जिया बेले, का तो खाज खा जिया। जाने कहां गए वो दिन। और गाइस देखिए भूसा कितना सारा निकला है। ये वही भूसा है जो तन्नू के दिमाग में भरे रहता हमेशा। ये निकाल दिया नानी ने बाहर। नहीं बात है, तन्नू के दिमाग में भरा हुआ भूसा मम्मी के।